स्मिथ बाहर जाके कह रहे हैं एक बार अब वेव ऑप्टिक्स की असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। देखो वेव ऑप्टिक्स का थोड़ा सा पोर्शन करेंगे और फिर उसके बाद रे पे आएंगे। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहली चीज, एक टॉपिक जो हर बुक में गिवन है, बुक्स में बहुत सारे टॉपिक्स गिवन है, पहले एक बात को समझ लो, और हमने वही टॉपिक करने हैं जो पेपर में आते हैं। न्यूटन्स रिंग करके एक टॉपिक है जिसकी थ्योरी का अता पता नहीं कहां से आई कहां से नहीं आई, जो से मर्जी किताब उठा लो न्यूटन्स रिंग के बारे में पता नहीं लगेगा। और न्यूमेरिकल, एक या दो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में जरूर गिवन होंगे न्यूटन्स रिंग के, तो उसको करने का कोई फायदा नहीं, ना वो आज तक आए हुए हैं और ना करके फायदा है। एक सोप इंटरफेरेंस का प्रूफ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके फॉर्मूला आपको मिलेंगे। ब्रैग्स लॉ करके केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता है ब्रैग्स लॉ, शायद सुना होगा आप लोगों ने, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम आती है, निकल का क्रिस्टल है, इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है और एटम्स या जो भी उसका स्ट्रक्चर है उससे टकरा के वापस जा रही है। आने वाली और जाने वाली जो बीम है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डी ब्रॉगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल है दैट कैन एक्ट लाइक अ पार्टिकल एंड कैन एक्ट लाइक अ वेव, ठीक, वो जो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रही है वो एक वेव की तरह है, जाने वाली इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह है, आने और जाने वाली इलेक्ट्रॉन्स की बीम आपस में इंटरफेयर कर जाती है और किसी जगह पर बीम, किसी जगह पर इंटेंसिटी हाई हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, किसी जगह पर कम हो जाती है। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चल रहे हैं। अब हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं करते, जबकि कई अगर हायर फिजिक्स में जाओगे तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन इसका टॉपिक, इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको बुक्स में मिलेंगे। उसी तरीके से सोप की इंटरफेरेंस है, सोप की इंटरफेरेंस में फॉर्मूलाज आप याद कर सकते हो लेकिन प्रूफ करने का फायदा नहीं, अगर आ जाए तो कम से कम फॉर्मूला हमें मालूम होगा। तरीका वही है मैक्सिमा मिनिमा का, एन इज इक्वल टू 1 2 पुट करके हम अपने आंसर निकाल लेंगे। कैसे? इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स के अंदर, इसमें ये एग्जांपल लिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये आपके नीचे सबसे नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज वाटर, ये पानी है, और ये वाला जो पोर्शन है टी थिकनेस का, ये ऑयल है, ऑयल है, ठीक। और ये कहा गया है कि लाइट, ये एयर है, एयर से लाइट आ रही है, ऑयल के अंदर से होती हुई वाटर के अंदर जा रही है, और कुछ लाइट अंदर जा रही है, कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, और जाने और आने वाली जो वेव है, जो लाइट है वो आपस में इंटरफेयर कर जाती है, और जब आने और जाने वाली वेव आपस में जब इंटरफेयर करती है तो उस केस में पैटर्न बनने स्टार्ट हो जाते हैं, कलर्ड पैटर्न जिसको बोलते हैं, रंग बिरंगी सी रेनबो सी नजर आनी शुरू हो जाती है ऑयल के ऊपर, जिसके ऊपर पानी के ऊपर जब तेल गिराओ तो कुछ कलर पैटर्न ऑब्जर्व होता है। वो पैटर्न कलरफुल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इसकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बस एक फॉर्मूला करेंगे। इसमें फॉर्मूला ये है कि सपोज करो ये लाइट आ रही है, ये लाइट आई, कुछ इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है एयर के अंदर ही और कुछ रिफ्रैक्ट हो रही है यहां पर, मतलब ऑयल के अंदर आ रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। फिर उसके बाद ऑयल की सरफेस और वाटर की सरफेस में रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है एंड रिफ्रैक्शन हो रही है। तो यार ना यहां तक, मतलब इसी पॉइंट पर तो रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, ऐसी यहां पर जो रे आई रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है एंड सो ऑन। तो ये आपके सामने डायग्राम बन गया मान लो, सच दैट ये याद रखना कि जो ऑयल और वाटर का इंटरफेस है वो ये इंटरफेस है, ये वाटर है और ये ऑयल है, इनके इंटरफेस पे ये जो एंगल बना, ये एंगल आर बना, ये एंगल आर बना, रिफ्लेक्शन वाला एंगल है। अब एक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इसकी वजह से ऑब्जर्व की जाएगी बीसी एंड एफजी, ये आगे जाके आपस में इंटरफेयर होंगी, बीसी और एफजी लाइट, और एक इंटरफेरेंस ऑब्जर्व की जाएगी इन दो रेज की, एक ये जो डी से लेके आगे की कहां तक है, डी डी ये रहा, डी से लेके ई तक और एच से लेके आई तक। तो एक इंटरफेरेंस इनकी होगी, एक इंटरफेरेंस इनकी होगी, तो दो दो पोर्शन में इंटरफेरेंस होती है सो फिल्म में। तो इसमें जो अपर एंड है जहां पर आप डायग्राम में देख सकते हो बीसी और एफजी जा रहे हैं,
इसको रिफ्लेक्टेड सिस्टम बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सिस्टम। ये देखो ये वाला जो सिस्टम है, जो इनकी इंटरफेरेंस है, इस सिस्टम को रिफ्लेक्टेड सिस्टम बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड। और इस सिस्टम को ट्रांसमिटेड सिस्टम बोलते हैं, ट्रांसमिटेड सिस्टम। तो एक ऊपर वाली दो इंटरफेरेंस होती है इनमें, एक अपर एंड पे रिफ्लेक्शन में ऊपर एयर के अंदर, और एक होती है आपकी वाटर और वाटर सरफेस के अंदर, दो सर्फेसेस हैं। तो अगर कंडीशन लिखनी हो, रिफ्लेक्टेड सिस्टम की कंडीशन है कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करनी है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है 2μ t cos of r, t फॉर थिकनेस ऑफ सोप फिल्म, r फॉर वही जो रिफ्लेक्शन का एंगल था, म्यू का मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, इज इक्वल टू 2n-1 into λ/2। ये आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, और उसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये कंडीशन है। और अगर आप ट्रांसमिटेड सिस्टम की कंडीशन देखो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की, तो रिवर्स है, जो रिफ्लेक्टेड में कंस्ट्रक्टिव थी वो ट्रांसमिटेड में डिस्ट्रक्टिव है, और जो ट्रांसमिटेड में डिस्ट्रक्टिव है वो रिफ्लेक्टेड में कंस्ट्रक्टिव है। अब ये फॉर्मूलाज आप याद कर सकते हो, इन केस अगर 100 में से एक क्वेश्चन कोई आ जाए गलती से सोप इंटरफेरेंस का, तो कम से कम आपको ये मालूम हो कि मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है। मैं इसके उसमें जान ही रहा हूँ कि ये क्यों और कैसे है, आपकी बुक्स में नहीं जाती हैं, हर बुक के अंदर ये शॉर्टकट गिवन है, हर चीज का शॉर्टकट गिवन है उसमें। तो खैर, तो मेरे हिसाब से बस इतना मोर देन सफिशियंट रहेगा कि अगर कल को इंटरफेरेंस का क्वेश्चन आता भी है, फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा पहले वो मेंशन करेगा कि ट्रांसमिटेड सिस्टम में इंटरफेरेंस का केस लेना है या रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, तो जैसा भी लेना है, फर्स्ट मिनिमा है तो n इक्वल टू 1 मिनिमा की कंडीशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट मैक्सिमा है तो n इक्वल टू 1 मैक्सिमा में पुट कर देंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर है। अब इसके क्वेश्चंस क्या होंगे वो नेक्स्ट टाइम मैं देखता हूँ, अगर सेकंड असाइनमेंट तैयार होती है तो उसमें करवाऊंगा एक दो क्वेश्चंस। अभी ये मिसलेनियस क्वेश्चन है आपके बुक्स के, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिफ्थ डार्क फ्रिंज इज फॉर्म्ड ऑपोजिट टू वन स्लिट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज व्हाट। तो मेरे को एक चीज मालूम है, ये एक स्लिट है, ये एक स्लिट है, ये स्क्रीन है, और ये डिस्टेंस कितने स्मॉल डी है, ये मिड पॉइंट है, सेंटर है, ये एक पॉइंट है डी बाई टू, एक्स इज इक्वल टू डी बाई टू, इसके ऊपर कौन सी फिफ्थ, क्या लिखेंगे, फिफ्थ डार्क फ्रिंज बनी, फिफ्थ डार्क फ्रिंज कितने डिस्टेंस से बनती है, मेरे को आता है एन लैम्डा डी बाई डी, और मैं एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, डी बाई टू, ठीक है ना, यहां तक फिफ्थ, सॉरी टू एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लगेगा, सॉरी इसमें मिनिमम है, तो इसमें मैं काम करूंगा 2n, मेरे को x जो मैं पेन से लिखूंगा बस वही देखना, x इज इक्वल टू 2n-1 into λ D/2d। ये हमने क्लास में फॉर्मूला किया था कि x की वैल्यू जब निकालनी हो कि सेंट्रल पॉइंट से कौन सा मिनिमा निकालना हो, तो ये वैल्यू थी, याद होगा जब हम डेरिवेशन कर रहे थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो ये पार्ट डिफरेंस था ना x d by d, और ये कंडीशन थी मिनिमा की, इनको इक्वेट करके x आ गया, और मेरे को n की वैल्यू यहां पर क्या पुट करनी है 5, तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है स्मॉल d by 2। अब पुट कर लेना, यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा, लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड, फिफ्थ x की वैल्यू निकाल लेना, और x आपको ऑलरेडी गिवन है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल d by 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार।
क्वेश्चन है, इन अ गिवन फिगर सी सी इज द मिड पॉइंट ऑफ एस वन एंड एस टू. अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन स्लिट्स. रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ एस थ्री एंड एस फोर. सबसे पहले एक वेव एस टू से कहां जा रही है, एस थ्री. एस वन से कहां जा रही है, एस थ्री. तो इसके अंदर कोई इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी किया हुआ है. आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, आई नॉट प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई नॉट कॉस ऑफ फाइव. ऐसे किया था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला. अगर मैं आपको फाइव बता दूं इस एस थ्री पॉइंट पे, तो आपके पास फाइव पुट करके रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी. तो यहां पर मैं बता देता हूं कि पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना होगा, जीरो. सेंट्रल पॉइंट है ना, तो सेंट्रल पॉइंट पर पाथ डिफरेंस जीरो, तो फेज डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो. तो यहां पर फाइव की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो. तो अगर फाइव जीरो है तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है. आई नॉट टू रूट आई नॉट कॉस ऑफ फाइव. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, फोर टाइम्स आई नॉट. कोई डाउट इसमें, सबको क्लियर है यहां तक, समझ आ रहा है ना, फोर टाइम्स आई नॉट. अब एक काम करते हैं, अब इसमें हम ये लेते हैं एस फोर पॉइंट लेते हैं, एक वेव यहां से, एक वेव यहां से आ रही है. तो मैं इन दोनों को अगर माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस. ठीक है यहां तक, और मेरे को ये मालूम है कि इनके बीच में एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे को, लैम्डा डी बाय टू टी. यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें. तो अगर मैं इन दोनों का पाथ डिफरेंस निकालू, तो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस क्या निकाला था, एक्स डी बाय टी था, ऐसे ही है, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, यही था ना पाथ डिफरेंस. और अगर ये पाथ डिफरेंस है, एक काम करो एक्स की जगह वैल्यू पुट करो, कितनी, लैम्डा डी बाय टी पुट करें. तो एक्स की जगह पुट करो लैम्डा डी टू डी टी लैम्डा. ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है ना. मैंने एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दी एज इट इज, ताकि एस फोर पॉइंट पर क्या आ सके, मेरे पास पाथ डिफरेंस. तो एक्स इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस अगर निकाला जाए, डी से डी कैंसल, डी से डी कैंसल, सिंपली कितना आ गया, लैम्डा बाय टू आ गया. क्लियर है ना यहां तक. तो मेरे पास पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, लैम्डा बाय टू आ गई. लैम्डा का मतलब क्या होता है, टू पाई बाय टू, टू से टू कैंसल, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई. ठीक है ना यहां तक, पाथ डिफरेंस तो एक्स थ्री बाय डी है, एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो फेज डिफरेंस पाई आ गया. तो एक काम करते हैं, एस फोर पॉइंट पर हम इंटेंसिटी निकालते हैं. एस फोर पॉइंट पर आई नॉट टू रूट आई नॉट, तो आई नॉट ही होता है, इंटू कॉस ऑफ फाइव. कॉस फाइव की वैल्यू माइनस वन होती है, और अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, जीरो. अगर जीरो आएगा, हमें तो रेशियो निकालनी है इंटेंसिटीज की, तो इंटेंसिटी की रेशियो यहां पर क्या जाएगी, इनफाइनाइट. पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक. तो इंटेंसिटी की रेशियो कैसे निकलेगी, अगर आपके पास फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा तो आई की वैल्यू अपने आप निकलेगी. यहां तक क्लियर है, ठीक. कितने लोग इस क्लास से पहले ट्यूशन लगा के आते हैं, फाइव ओ क्लॉक, ओके. कितने लोग फाइव टेन तक पहुंच नहीं पाएंगे, यहाँ पे पांच दस तक हर कोई पहुंच जाएगा नेक्स्ट टाइम, या फाइव ओ क्लॉक पहुंच जाएंगे, पांच बजे पूरे पहुंच जाओगे, बहुत बढ़िया है. तो नहीं, पांच पांच तक कोई बात नहीं, फाइव टेन तक कर लगा लेता हूँ, कोई बात नहीं, फाइव टेन तक. अगली बार शार्प फाइव टेन पे आपने आ जाना है. संडे को कल टेस्ट नहीं है, कुछ रीजन की वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ा टेस्ट. अगली बार होगा, उसके अगली बार भी होगा, कॉन्टिन्यूस टेस्ट ले लूंगा. बट क्योंकि मैं गैप नहीं चाहता हूँ, तो ईएमआई एसी का टेस्ट तो होगा, लेकिन दो पार्ट्स में होगा. इंस्टेड ऑफ वन आवर टेस्ट, 30 क्वेश्चन में आपको दूंगा ऑब्जेक्टिव एक शीट की फॉर्म में. पूरे 5:10 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा, 5:40 तक, मंडे को. नहीं, आपका कब है बैच, ट्यूसडे को, आपको एक दिन और मिल गया. किसका, वेव ऑप्टिक्स, आई एम सॉरी, वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है. तो वेव ऑप्टिक्स का आपको एक और दिन मिल गया, आप आराम से संडे को बैठ के पढ़ो और आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है ना. और वैसे भी उसमें क्वेश्चंस, पहले मैंने जो संडे को लेना था वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव लेना था. सब्जेक्टिव तो मैं आपको आज ले लूंगा जाते हुए, ऑब्जेक्टिव मैं आपका ले लूंगा नेक्स्ट टाइम जब लेना है,
ठीक हो गया ना, बात बराबर हो गई। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पैरेलल बीम ऑफ तैयारी है ना आज की टेस्ट की, कितने लोग हैं जिनकी तैयारी नहीं है आज, क्यों तुम बाकी सबकी है और बाकी सबकी, चलो देखते हैं। चलो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन इज इंसिडेंट ऑन अ स्मॉल अपर्चर, आफ्टर पासिंग थ्रू द अपर्चर द बीम इज नो लॉन्गर पैरेलल बट डाइवर्जेस एट 1 degree टू द इंसिडेंट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अपर्चर। मेरे हिसाब से जो बुक्स के अंदर क्वेश्चन आपका गिवन है ये सही नहीं है, क्योंकि मुझे ये समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन डिफ्रैक्शन के, लैम्डा गिवन है आफ्टर पासिंग थ्रू द अपर्चर या जो भी उसका होल है ए विड्थ का, द बीम इज नो लॉन्गर पैरेलल बट डाइवर्जेस एट एन एंगल ऑफ 1 degree, यानी कि थीटा की वैल्यू वेव फ्रंट की क्या हो गई 1 degree, ए निकालना है डायमीटर ऑफ द अपर्चर, मुझे ये मालूम है डिफ्रैक्शन के अंदर पार्ट डिफरेंस क्या होता है ए साइन थीटा, मेरे को ये नहीं मालूम, मुझे ये मालूम है कि 1 degree पे वो बेंड हो गया, चलो ठीक वेव फ्रंट बेंड हो गया 1 degree पे, फिर 1 degree पे बेंड होने के बाद वो क्या हुआ, वो किसी स्क्रीन पे जाके इंसिडेंट हुआ, पर ये नहीं मालूम कि फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, सेकंड मिनिमा बन रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है, सेकंड मैक्सिमा बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है, कहीं लिखा हुआ है कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सही नहीं है। वैसे मैं बता देता हूं आपके बुक्स में क्या किया हुआ है, बुक्स में इसको फर्स्ट मिनिमा लेके किया हुआ है, फर्स्ट मिनिमा लेके किया हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली प्रैक्टिकली 1 degree पे फर्स्ट मिनिमा आता है, और फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन एन लैम्डा में एन की जगह क्या पुट करनी होती है 1, यहां से ए निकालना है। बट मेरे हिसाब से क्वेश्चन का सेंस नहीं बनता, क्योंकि कुछ गिवन ही नहीं, तो फिर मैं कंडीशन लगा कैसे रहा हूं, और कंडीशन में ये कैसे पता लग रहा है कि फर्स्ट मिनिमा ही होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा, बताया नहीं जाता। पॉइंट क्लियर है यहां तक, समझ आ रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन साइज ऑफ एन अपर्चर क्या होना चाहिए, तो अगर आप डिफ्रैक्शन चाहते हो तो साइज ऑफ अपर्चर ए ऑप्शन है शुड बी सेम ऑफ सेम ऑर्डर एज वेवलेंथ शुड, इसमें ही होना चाहिए कि जो लाइट है अगर आप चाहते हो कि डिफ्रैक्शन हो तो जितना साइज ऑफ अपर्चर क्या होना चाहिए जितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट है, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा है तो आपका जो अपर्चर का साइज है वो भी क्या होना चाहिए लैम्डा ही होना चाहिए, तो शुड बी एग्जैक्टली लैम्डा बाई 2 तो गलत है, नो रिलेशन टू वेवलेंथ गलत है, शुड बी मच लार्जर देन दी वेवलेंथ ये भी गलत है, और शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर एज वेवलेंथ कुछ सेंस बनता है बिकॉज वेवलेंथ ऑफ लाइट और जो साइज है उसकी वैल्यू क्या एग्जैक्टली सेम होगी। नेक्स्ट है, देखो एयर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे गिवन है, और नॉर्मली वैसे बता दूं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मानते हैं, पर ये एक्सेप्शन है, 1 तब मानते हैं जब एक मीडियम वाटर है एक एयर है, तब बोलते हैं कि वाटर का तो 1.5 हो गया और एयर का 1 हो गया, लेकिन यहां पर एयर के साथ दूसरा मीडियम क्या है वैक्यूम, तो
आइडली स्पीकिंग वैक्यूम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता है और एयर का 1 के क्लोज होता है और कितना होता है 1.003, तो 1 तो नहीं है कम से कम। तो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स न्यू है मुझे गिवन है, थिकनेस ऑफ एयर कॉलम विच विल हैव 1 मोर वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट लैम्डा गिवन देन इन द सेम थिकनेस ऑफ वैक्यूम इज व्हाट। कह रहा है कि एक एयर है और एक वैक्यूम है, ठीक, कोई स्क्रीन है, स्क्रीन तो माननी पड़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स की बात हो रही है, तो एक स्क्रीन पे लेट से ये एक वेव जा रही है, ये रही, एक वेव का मतलब होता है लैम्डा, और सपोज करो ये स्क्रीन की लेंथ में एन नंबर ऑफ वेव्स बनती हैं, तो स्क्रीन की टोटल लेंथ क्या हो जाती है, एन लैम्डा। तो लेट से वैक्यूम के अंदर टोटल लेंथ ऑफ स्क्रीन कितनी आई, एन लैम्डा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर एयर के अंदर सेम पास किया जाए तो जब मीडियम चेंज हो गया, वैक्यूम की जगह एयर हो गया, तो एयर के अंदर जब मीडियम चेंज होता है तो लैम्डा चेंज होता है, किसी भी लाइट का वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, तो लैम्डा तो चेंज होगा ही, तो मानते हो क्योंकि एयर और वैक्यूम में लैम्डा डिफरेंट है। तो इसमें ये लैम्डा ऑफ वैक्यूम है, ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ इतनी टोटल लेंथ बनी, और अगर एयर के अंदर सेम वेव पास की जाए तो क्वेश्चन में गिवन है कि एयर के अंदर एक वेव एक्स्ट्रा बनती है, दैट इज एन प्लस वन, कह रहे हैं ना, है वन मोर वेवलेंथ, वन मोर वेवलेंथ का मतलब एक वेव एक्स्ट्रा, एन प्लस वन, लेकिन यहां पर लैम्डा के पैर में क्या आएगा, ए आएगा, पॉइंट क्लियर है। तो लेंथ ऑफ कॉलम चाहे वो एयर का है चाहे वो वैक्यूम का है, लेंथ की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम, हाँ नंबर ऑफ वेव्स कम हो सकती है, नंबर ऑफ वेव्स एक में एन है तो दूसरे में एन प्लस वन है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है क्योंकि ऑब्वियसली एक स्क्रीन के ऊपर या जहां भी एक कॉलम है उसके ऊपर ये लेंथ की वैल्यू देगी हमें, तो लेंथ की वैल्यू एयर में एन प्लस वन इंटू लैम्डा है और वैक्यूम में एन इंटू लैम्डा भी, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें। अब मुझे एक चीज गिवन है, म्यू की वैल्यू मुझे गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और इसकी डेफिनेशन भी मुझे मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम इसमें क्या है, एयर है, ठीक लिखा ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सी क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा वैक्यूम, न्यू इंटू लैम्डा एयर, ठीक बोल रहा हूं ना, यहां तक फर्क या तो वेलोसिटी में होगा या फिर लैम्डा में होगा, फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं होती, न्यू से न्यू कैंसिल, तो क्या आ गया मेरे पास, लैम्डा वैक्यूम लैम्डा ए की वैल्यू म्यू ही आ गई। अब क्वेश्चन ये गिवन है कि ये येलो लाइट जो लैम्डा गिवन है ये किस में गिवन है, एयर में या वैक्यूम में, देखो ना इसमें एयर हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन थिकनेस ऑफ एयर कॉलम विच विल हैव वन मोर वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट, एयर में, चेक करना उसमें एयर में लिया हुआ है, एयर में लिया हुआ है, ओके मैं ऐसा सोच रहा था, मुझे ऐसा लगा थिकनेस ऑफ एयर कॉलम, एयर कॉलम की बात हो रही है, विच विल हैव वन मोर वेवलेंथ एन प्लस वन, ये भी एयर की बात हो रही है, ऑफ येलो लाइट 6000 एंगस्ट्रॉम, मुझे ऐसा लगा कि वो ब्रैकेट में है ना, तो मुझे लगा शायद वो वैक्यूम में 6000 लेता है और एयर के अंदर आपको निकालना है, बट इट्स ओके अगर वो एयर कॉलम की बात कर रहा है जिसमें नंबर ऑफ वेव्स भी एयर की बात कर रहा है, वेवलेंथ भी एयर की बात कर रहा है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको इसका मतलब ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, आप ये क्वेश्चन में निकाल लेना, ठीक है ना, यहां तक सही बोल रहा हूं ना, यहां तक आपको ये गिवन है, आपको ये गिवन है, आप ये निकाल लोगे, आप इन दोनों को इक्वेट कर रहे हो, इसको और इसको, ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, सिर्फ क्या निकालना है आपने, एन निकालना है, एन आ जाएगा, ये समझ आया मैंने क्या किया, समझ आ रहा है अभिषेक, ठीक है ना, याद है ये स्टेप सबको समझ आ गया, ये वाला, ये दोनों इक्वेट करना क्लियर है,
लैम्डा की वैल्यू चाहिए, आपको एयर का लैम्डा तो गिवन ही है, आपको वैक्यूम का लैम्डा निकालना है, तो म्यू यूज कर लो, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन मीडियम, मीडियम इसमें एयर है, न्यू लैम्डा, आपको अगर ये गिवन है, आपको ये गिवन है, तो यहां से ये निकाल लेना, पुट कर देना, एन आ जाएगा, तो एन की वैल्यू निकल जाएगी जो भी गिवन आंसर है। नेक्स्ट देखो, असाइनमेंट ले आओ। प्लेन माइक्रोवेव्स आर इंसिडेंट ऑन अ लॉन्ग स्लिट हैविंग अ विड्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर। स्लिट है, डिफ्रैक्शन है। वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स इफ द फर्स्ट मिनिमम इज फॉर्म्ड एट 30 डिग्री इज व्हाट। हाँ, इसमें कुछ बात बनी, डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ए साइन थीटा, और क्योंकि मिनिमा का केस है तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। कौन सा मिनिमा है? फर्स्ट मिनिमा, तो ए साइन थीटा इज 1 लैम्डा। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको ए गिवन है, आपको लैम्डा निकालना है और आपको थीटा भी गिवन है, ठीक है ना? गिवन है, लैम्डा निकाल लेना, आंसर आ जाए। मेथड सबको क्लियर है ना कि डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगेगा और डिफ्रैक्शन के अंदर फर्स्ट मिनिमा का फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट देखो, लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन इज इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन है। फर्स्ट मिनिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड एट 4 mm फ्रॉम द सेंटर। स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट। स्लिट विड्थ विल बी इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन में आपको लैम्डा गिवन है, फर्स्ट मिनिमम का केस है, यानी कि एन लैम्डा में एन की जगह 1 लैम्डा। 4 mm फ्रॉम द सेंटर, 4 mm फ्रॉम द सेंटर का मतलब कि अगर डिफ्रैक्शन के अंदर ये सेंटर है, आपको x गिवन है, ठीक है? यहां तक आपको x गिवन है। स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर गिवन है, आपको a निकालना है। a क्या होगा? मुझे तो इतना मालूम है सिर्फ कि पास डिफरेंस क्या होता है डिफ्रैक्शन में, a साइन, और मिनिमा के लिए कंडीशन बोलो a साइन थीटा इक्वल टू n। क्लियर है यहां तक? फर्स्ट मिनिमा का केस है तो a इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 टाइम्स लैम्डा। साइन थीटा की मुझे a निकालना है। मैं साइन थीटा निकाल सकता हूं कैसे? मान लो ये स्क्रीन है, ये सेंटर है, आपको क्वेश्चन में x गिवन है, d गिवन है, आप इसको ज्वाइन कर लो, लेट्स सी एंगल कितना है थीटा। और हमने डिस्कस किया था कि एंगल छोटे होते हैं तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय डी। तो साइन थीटा की जगह पुट कर लो एक्स डिवाइडेड बाय बड़ा डी, 1 into λ। ए निकाल लेना, गिवन है, ठीक है यहां तक? ठीक है ना? तो अगर ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बस ये क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ये अभी वहां है ना, ये 2 साल का जब सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा तो बस ये कुछ भी नहीं याद रहेगा। किसको प्रेशर देखो ना कितना है आपको। अगर मैं कहूँ कि सारी प्लस 1 और प्लस 2 का सिलेबस कल पेपर है, कौन सी इंटरफेरेंस, एकदम सब भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहता, सिलेबस बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, ऐसे धीरे धीरे करके याद हो जाएगा अपने आप। पेपर तो बहुत आसान आता है, AI EEE का पेपर तो बहुत मीन्स सच में आते क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखो नेक्स्ट देखो
डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट इज फॉर्म्ड इन अ फोकल प्लेन ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ वन। अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही ना आधी जनता ये सोचती है कि फोकल लेंथ डिफ्रैक्शन में फोकल लेंथ हमने नहीं की, तो ये क्वेश्चन हमें आता नहीं। ठीक, जब आप भी पढ़ोगे अपनी बुक्स तो उसमें आएगा ये क्वेश्चन। तो फोकल लेंथ अभी देखना ही आता होगा आपको, विड्थ ऑफ द स्लिट ए की वैल्यू इज गिवन, थर्ड मिनिमा का केस है, इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 mm फ्रॉम द सेंटर, वेवलेंथ निकालनी है। तो सबसे पहली चीज केस मिनिमा का है, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ज्यादा क्लियर है। आगे आपको ए गिवन है, आपको इसमें लैम्डा निकालना है, सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए आपको, साइन थीटा की। अगर आप डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करो, ये सेंटर है और आपको ये एक्स भी गिवन है, ये थर्ड मिनिमा कहां बन रहा है, आपको वो एक्स गिवन है। ठीक है, यहां तक एक्स गिवन है। अगर मैं आपको डी दे दूं तो आप यहां से साइन थीटा निकाल लोगे, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाय डी, टेन थीटा साइन थीटा एक ही बात है, कोई बात नहीं, डी नहीं गिवन कोई बात नहीं, आपको फोकल लेंथ गिवन है। और अगर आपको याद हो कि एक लेंस रखते थे हम डिफ्रैक्शन में, फोकल लेंथ पता है क्या होती है, फोकल लेंथ होती है जहां पर आपकी रेज कन्वर्ज होती है एफ, और देखो एफ और डी अप्रोक्सीमेटली क्या रहेंगे इसमें, सेम। तो फोकल लेंथ का इसमें कोई रोल नहीं है, फोकल लेंथ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। तो एक्चुअल में आपका जो लेंस है वहां से ये स्क्रीन पे डिस्टेंस बन रहा है, रेज आ रही है और यहां पर बन रही है, तो इस क्वेश्चन में एफ और डी एक ही बात है। तो इसलिए ए साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू 3 टाइम लैम्डा, लैम्डा निकाल लेना आंसर। ठीक है ना यहां तक। तो अगर डिफ्रैक्शन के अंदर फोकल लेंथ का क्वेश्चन आ जाए तो कैपिटल डी और स्मॉल एफ को आप एक जैसे यूज कर लेना। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, पैरेलल मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट, डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, एट फर्स्ट मिनिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न फेज डिफरेंस बिटवीन द रेज कमिंग फ्रॉम द टू एज ऑफ द स्लिट इज व्हाट। फर्स्ट मिनिमम का मतलब ए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा, और ए साइन थीटा का मतलब क्या होता है, पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना है, तो आंसर 2 पाई आ गया।
ठीक है ना, पावर डिफरेंस बस मिनिमम के केस में 1 लैम्डा और 1 लैम्डा कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल ऑफ 2 पाई। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्प्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज व्हाट। मतलब मुझे ये बताना है कि कितने मैक्सिमा आएंगे कब फॉर स्लिट सेपरेशन। स्लिट सेपरेशन क्या होता है, स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा, ठीक है ना। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है यंग डबल स्लिट में, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, कर रहा हूं ना, पार्ट डिफरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने डेरिवेशन में पार्ट डिफरेंस क्या किया था, एक्स डी बाई डी, तो पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा, तो ये मैक्सिमा का कंडीशन है, इक्वेट कर दिया, स्मॉल डी की जगह क्या पुट कर दिया 2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा हो गया कैंसल, क्या बच गया एक्स टी 2 एन। अगर स्क्रीन का डायग्राम बनाया जाए तो ये सी है, ये एक्स है और ये डी है, और लेट से ये थीटा है, तो मैं साइन थीटा या टैन थीटा को क्या लिख सकता हूं, एक्स बाई डी। तो यहां पर ऐसे करूं, साइन थीटा इंटू 2 इज इक्वल टू एन, एक्स बाई डी को रिप्लेस कर दिया भाई अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा, ठीक है ना। यहां तक साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो अगर 1 है तो एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहां पर 2, क्योंकि जब साइन थीटा 1 होगा तो एन की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2। 2 का मतलब सेकेंड मैक्सिमा, क्योंकि मैक्सिमा की कंडीशन चल रही है, यानी कि n का मतलब कि दूसरा मैक्सिमा है, अगर दूसरा मैक्सिमा आ रहा है तो पहला मैक्सिमा भी आया होगा, पहला मैक्सिमा आ रहा है तो सेंट्रल मैक्सिमा भी हो सकता है। तो इसका मतलब कौन कौन से केस बने, स्क्रीन के ऊपर सेकेंड मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, जीरोथ मैक्सिमा, नीचे से फर्स्ट मैक्सिमा और नीचे से, क्योंकि जो पैटर्न ऊपर बनेगा वही पैटर्न नीचे बनेगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 5। 5 पैटर्न बन सकते हैं, ऐसे 5 मैक्सिमाज एग्जिस्ट कर सकते हैं इस केस के अकॉर्डिंगली। समझ में आई बात, ठीक है ना। ठीक, टिपिकल क्वेश्चन है कंपटीशन का, ऐसे आते हैं छोटे 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 छोटे, बट पॉइंट क्लियर है, भारतीय समझ आ रहा है। चले आगे, नेक्स्ट है, इफ आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न देन व्हाट विल बी इट्स इंटेंसिटी व्हेन द स्लिट विड्थ इज डबल्ड। देखो ये केस ना डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन का, डिफ्रैक्शन में अगर आप इस अपर्चर को बड़ा कर दोगे तो क्या आपको क्या लगता है कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी लाइट की, और फिर डिफ्रेक्शन ही नहीं होगा। अगर आप होल इतना बड़ा कर दोगे तो लाइट बैंड कहां से होगी, लाइट बैंड एक तरफ बोलते हैं कि तब होती है जब साइज ऑफ अपर्चर और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं उसकी इंटेंस, मैं उसकी विड्थ बढ़ा दूंगा तो आगे बढ़ जाएगा, कैसे आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो याद रखना डिफ्रैक्शन के अंदर इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ विड्थ। हाँ, इंटरफेरेंस में हमने किया था विड्थ बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, बट डिफ्रैक्शन के केस में कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं, ठीक। तो इंटेंसिटी विल रिमेन,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस का। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस में हमने क्या करते हैं, अरे पार्ट है अब ये, अब बहुत जो इसकी जो मैं क्या बताऊं आपको, आपको पता लग ही जाएगा, अब जो थ्योरी की जो स्पीड है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। रे ऑप्टिक्स बहुत जल्दी निकलता है, इसलिए नहीं कि मैं निकालना चाहता हूँ, टॉपिक ही ऐसा है, एक आ गया तो पांच एक्सप्रेशन अपने आप आ जाते हैं, फिर एक आ गया पांच अपने आप आ गया, फिर एक आ गया पांच, तो 15 एक्सप्रेशन ऐसे एक मिनट में तैयार हो जाएंगे। आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि आपका तो हर क्लास में टेस्ट भी होगा, तो आपको तो और अच्छे से करना है इसे, ठीक। कोशिश करेंगे अभी के अभी आपको याद करवा के भेजूंगा मैं सारे एक्सप्रेशन और समझा के भेजूंगा। तरीका ऐसे यूज करेंगे कि आपको पांच एक्सप्रेशन देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम रिफ्रैक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। रिफ्रैक्शंस हमारे सिलेबस में, ये चैप्टर का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम रिफ्रैक्शन करते जा रहे हैं अलग अलग सर्फेसिस पे, जैसे पानी की सरफेस और एयर की सरफेस। एयर से लाइट आई पानी में गई, रिफ्रैक्शन है। ऑयल की सरफेस, ग्लास की सरफेस, रिफ्रैक्शन है। पर एक हमने जितने क्वेश्चन अब तक किए उसमें खास बात यह थी कि ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर है, पानी की सरफेस प्लेन है, लाइट आई रिफ्रैक्ट हो गई, लाइट आई रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि पानी की सरफेस इस तरीके की है या ग्लास की सरफेस इस तरीके की है या इस तरीके की है, अब लाइट आई तो क्या होगा मालूम नहीं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस। तो अब हम प्लेन सर्फेसिस पर रिफ्रैक्शन नहीं, स्फेरिकल सर्फेसिस पर रिफ्रैक्शन करेंगे। तो इसके लिए एक चीज समझो, मेरे पास मान लो दो स्फेयर्स हैं, ये एक स्फेयर है और सपोज ये एक स्फेयर है, एक स्फेयर लेते हैं चलो पहले। सपोज करो दो केस हैं, या तो ये केस बनता है, ठीक, चलो कोई बात नहीं यार ऐसे ही कर लो फिर, ये ज्यादा बेटर है। चलो मेरे पास अब दो केस बनते हैं। पहला केस ये बनता है कि मैं इस, ये एक स्फेयर है, ग्लास शीशे का बना हुआ स्फेयर है, और ये जहां जहां रेड है इट मींस डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है और ये सपोज रेयरर है, ठीक है, एक केस। सपोज सेकंड केस है कि मैं एज्यूम करता हूं कि बाहर वाला मीडियम डेंसर है और अंदर वाला रेयरर है, ठीक। एक काम करो, इस स्फीयर के दो हिस्से कर दो, तोड़ दो, हेमिस्फीयर काट दो इसे, तो क्या दिख रहा है आपको, ये एक हिस्सा दिख रहा है शेडेड मींस डेंसर, ये दूसरा हिस्सा दिख रहा है शेडेड मींस डेंसर। इस सरफेस को कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं, ये जो बना सरफेस ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। नेक्स्ट पे आ जाओ, जो अभी हमने किया इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, तो डायग्राम आपको कैसे दिखा ऐसा, लेकिन अब यहां पर डेंसर है और बीच में रेयरर है। दूसरा कैसे बना, ऐसे, ये डेंसर है, ऐसे बना ना तोड़ के, ये कंकेव रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस है। अगर ऐसे पसंद नहीं तो मेरा तरीका यूज कर लो, मैं कैसे याद करता हूं, मेरा हाथ एक हेमिस्फीयर है, अगर आप ग्लास को मेरे हाथ में रख दोगे ये पोर्शन डेंसर है तो कन्वेक्स है ये, और अगर आप ग्लास को पीछे डाल दोगे तो ये कंकेव है क्योंकि हवा बीच में रह गई तो ये कंकेव बन गया। कैसे भी याद करना है कैसे भी याद कर लो, अपने अपने तरीके हैं सबको याद करने के। तो आनी दो सर्फेसिस ही होती हैं टोटल, एक कन्वेक्स और एक कंकेव। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस, एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस और एक कंकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस, ठीक। बना हुआ डायग्राम, ये वही हेमिस्फीयर्स हैं दो। तो इसमें अभी मैंने आपको ये बता दिया कि अगर यहां पर डेंसर है इट मींस ये कन्वेक्स है, और अगर यहां डेंसर है इसका मतलब ये कंकेव है, ठीक हो गया यहां तक। नेक्स्ट, इसमें जो मतलब ये शेप हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है,
एक लाइन जो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, या एक सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन जो इसको यहां पर इंटरसेक्ट करेगी स्फेरिकल सरफेस के, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। पोल, ये पॉइंट पोल है और इसका पोल ये रहा, ये इसका पोल है और ये इसका पोल है, ठीक। नेक्स्ट याद रखना, अगर मैं इसको स्फीयर की तरह बनाने की कोशिश करूं तो ये स्फीयर का सेंटर आएगा, और अगर मैं इसको स्फीयर की तरह बनाने की कोशिश करूं तो स्फीयर का सेंटर यहां पर आएगा, ठीक। तो ये किसका सेंटर है? कर्व का सेंटर है। स्फीयर तो नहीं बोलते क्योंकि ये एक हेमिस्फीयर है, एक कर्व है, तो ये कर्व का सेंटर है। कर्व के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका रेडियस ये आर है, ये आर है, इसका रेडियस ये आर है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल, और प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपने याद रखना है। याद है, कोई डाउट? क्लियर है सबको? याद है। नेक्स्ट, हम क्या करने वाले हैं इसमें, अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्शंस करके देखेंगे। कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आप सोचो एक बार। मैं आपको दो सर्फेसिस दे देता हूं, एक मैं दे देता हूं कंकेव, एक मैं दे देता हूं कन्वेक्स। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, रे ऑफ लाइट को रेयरर से डेंसर में इंसर्ट कर दोगे, या फिर आप डेंसर से रेयरर कर दोगे, चाहे वो कन्वेक्स है चाहे वो कंकेव है, ऐसे केस बनेगा। मैंने इसको एक चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट चार्ट है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मतलब जैसे हम करने जा रहे हैं, ये मैंने खुद इस तरीके से बनाया हुआ है ताकि आपको ये समझ आए कि हम कौन सा केस कब कर रहे हैं और एग्जैक्टली कितने केसेस एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा ना हो ना मैं टॉपिक करवाना शुरू कर दूं, आप टॉपिक में घूम ही जाओ कि पता नहीं क्या हो रहा है, कभी रियल बन जाती है कभी वर्चुअल बन जाती है। तो मैंने इसका एक इंडेक्स बना दिया, एक फ्लो चार्ट बना दिया, जिससे आपको ये पता लगेगा कि हम करने क्या वाले। इसमें स्फेरिकल सरफेस में जो रिफ्लेक्शन है वो दो किस्म की हो सकती है, या तो लाइट एंटर करेगी रेयरर टू डेंसर, या फिर डेंसर टू रेयरर। ये तो क्लियर हो गया। जैसे ये कन्वेक्स सरफेस है, ये डेंसर है, या तो रे ऑफ लाइट यहां से यहां जाएगी या फिर रे ऑफ लाइट यहां से यहां जाएगी, और तो कोई केस नहीं है। दूसरा, रेयरर टू डेंसर में या तो आप सरफेस ले रहे हो कन्वेक्स या आप सरफेस ले रहे हो कंकेव। और याद रहे, हम ये लेंस नहीं कर रहे, दिस इज नॉट अ लेंस, दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस है जिसमें रिफ्रैक्शन शो करनी है बस। लेंस कुछ और चीज है। लेंस बेसिकली पता है क्या है, कि एक आपने सरफेस ली ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक आपने और ली कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इनको मिला दिया तो इनकी शेप ऐसी बन गई, ये लेंस बन गया। तो लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, तो इसलिए लेंस अपने आप आ जाएगा अगर आपको कौन सा टॉपिक आ गया रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस का। तो इसमें रेयरर टू डेंसर में कन्वेक्स कंकेव, डेंसर टू रेयरर में कन्वेक्स कंकेव, ये भी क्लियर है सबको यहां तक। नेक्स्ट है, इसमें जब आप कन्वेक्स में रेयरर टू डेंसर का केस कर रहे हो गए, तो आपकी जो इमेजेस बनेंगी या तो वो रियल बनेगी या फिर वो वर्चुअल भी बन सकती है, रियल एंड वर्चुअल। और अगर आप रेयरर टू डेंसर का कंकेव का केस लोगे तो आपकी रियल इमेज कभी नहीं बनेगी, हमेशा क्या बनेगी? वर्चुअल। उसी तरीके से अगर डेंसर टू रेयरर का कन्वेक्स का केस लेते हो तो इमेज हमेशा क्या बनेगी? रियल। और कंकेव में हमेशा क्या बनेगी? वर्चुअल। ये जो टॉपिक ये कैसे आ रहा है एग्जैक्टली, इसके लिए हम प्रूफ करेंगे, हम इसको कर करके देखेंगे, फिर हम चार्ट एक्चुअली बाद में बनते हैं। ये मैंने पहले बनाया हुआ है पर आपको ये समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये रियल वर्चुअल कैसे बन रही है। हम इसको बना बना के देखते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि कभी किसी केस में रियल बनती है और कभी किसी केस में वर्चुअल बनती है, बना के देखते हैं। तो पहले कौन सा केस सॉल्व करेंगे? पहले करेंगे रेयरर टू डेंसर का कन्वेक्स का रियल का केस। ए पार्ट देखो, इसका रिफ्रैक्शन शो कर रहे हैं फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, नहीं फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट अ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इमेज क्या बनेगी इसमें? रियल। तो देखो, इसको करने के लिए आप एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लो, और कौन सी लेनी है? कन्वेक्स लेनी है। ये डेंसर मीडियम है, ये वाला डेंसर मीडियम है और ये वाला रेयरर है, तभी तो केस किसका बनेगा? कन्वेक्स का। यहां तक क्लियर है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़े कि म्यू टू बढ़े, म्यू टू डेंसर का और म्यू वन रेयरर का,
देखो ये कन्वेंशन है, मेरा मानना है, बट मैं ऐसा बोल नहीं सकता क्योंकि म्यू टू की वैल्यू कम हो सकती है म्यू वन से, कोई जरूरी नहीं है। बट इस डेरिवेशन में, इस रिजल्ट में, फॉर्मूलाज में ये हम मान के चलेंगे कि म्यू टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन म्यू वन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो क्योंकि ये कन्वेक्स सरफेस है तो अंदर वाला सरफेस म्यू टू है और बाहर वाला क्या है, म्यू वन है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? एक म्यू टू हो गया और एक म्यू वन हो गया, ठीक है यहां तक? डिस्कस कर रहे हैं रेयरर टू डेंसर, तो मुझे रेज को कहां से एंटर करवाना है? रेयरर टू रेज ओरिजिनेट कहां से होती है? फ्रॉम ऑब्जेक्ट। लास्ट टाइम किया था, किसी भी इमेज के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इमेज किसकी बनाऊं? ऑब्जेक्ट की बनेगी। तो अगर मैं रेयरर टू डेंसर का केस करना चाहता हूं तो मेरे को ऑब्जेक्ट कहां पर लेना है? रेयरर में। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां तक क्लियर है? तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है और रूल ये है, इसकी इमेज अगर बनाना चाहते हो इमेज क्या बनेगी? रूल ये है, एक रे आपने सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ले जानी है, सीधा एक रे, और दूसरी रे आपने यहां इंसिडेंट करवानी है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है उसकी तो बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं होगी क्योंकि वो परपेंडिकुलर जा रही है, ठीक है? और जो रे किसी एंगल पे जा रही है उसकी रिफ्रैक्शन होगी। अब रिफ्रैक्शन तो होगी, बस एक स्फीयर है, सिंपल क्वेश्चन है, और मैं कोई भी सरफेस देता हूं आपको स्फीयर के ऊपर, लेट्स से ये सरफेस, और बोलता हूं कि इसका नॉर्मल ड्रॉ करो, आप नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल हमेशा कहां से पास करते हैं? स्फीयर के, जहां से मर्जी ड्रॉ कर लो, नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा? स्फीयर के सेंटर से। तो इसमें भी अगर मैं कहूं कि एक नॉर्मल ड्रॉ करो तो नॉर्मल लेट्स से इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल जो कहां से पास करेगा? इस स्फीयर के सेंटर से। ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है? कोई डाउट किसी को इसमें? अमृता सर, ठीक है ना? यहां तक नॉर्मल, क्योंकि इसका इस स्फीयर का सेंटर राइट पे होगा ना, तो लेट्स से सी इज अ सेंटर, तो नॉर्मल कहां से पास कर रहा है? फ्रॉम सेंटर। ये भी क्लियर है? नेक्स्ट, आपकी रे ऑफ लाइट आ रही थी यहां से यहां तक, तो नॉर्मल के साथ इसने कौन सा एंगल बनाया? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाएगी। अब क्योंकि रे इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, जैसी हुई यहां पर आके मिल गई, टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई, यहां मिल गई, जहां ये दो रेज मिली वहां पर इसकी क्या नजर आई? इमेज। याद है कॉइन वाला केस वैसे था, दो रेज ऊपर जा रही थी, उनको मिलाया था, तो वहां पर क्या दिखी मुझे? इसकी इमेज, इमेज बन गई, ठीक है? यहां तक कोई डाउट किसी को इसमें? समझ आ रहा है? ठीक। अब एक चीज याद रखो, एक परपेंडिकुलर आपने इसमें ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन है इसकी। इमेज आई से रिप्रेजेंट करनी है, ऑब्जेक्ट ओ से रिप्रेजेंट करना है, सेंटर सी से रिप्रेजेंट करना है, पोल को पी से रिप्रेजेंट करना है, और ये एम से रिप्रेजेंट करना है, और ये ए से रिप्रेजेंट करना है। ये कन्वेंशन है, मेरी कन्वेंशन है, आप कुछ भी करो। मेरे जो मेरी बुकलेट है या काफी बुक्स में ये सेम नंबरिंग सेम रखनी है, बताता हूं क्यों। इससे ना आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी एक्सप्रेशन में। जब ट्राइंगल सेम रहेंगे तो मैं आपको एक इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पांच डेरिवेशन आएंगी इसकी, पांचों के अंदर बड़ा स्टैंडर्ड एक स्टेप है, इन ट्राइंगल आईएसी, इन ट्राइंगल ओएसी, याद ही कर लेते हैं, वहां थ्योरम प्रूव करने की तरह ना देखना नहीं पड़ता। जब नेमिंग ही सब में बराबर कर दी हमने तो कोई डेरिवेशन आ जाएगी, उसमें ट्राइंगल दो यूज होते हैं, आईएसी ओएसी। तो इसलिए कह रहा हूँ अगर नेमिंग सेम रहेगी तो पांच की पांच केसेस बनाने उतने आसान हो जाएंगे, याद है? क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट इधर देखो, आपने इसमें ऑब्जेक्ट का एंगल हमेशा किससे रिप्रेजेंट करना है? भाई अल्फा। इमेज का एंगल किससे रिप्रेजेंट करना है? भाई बीटा। और सेंटर में जो नॉर्मल ने एंगल बनाया किससे रिप्रेजेंट करना है? भाई गामा। अल्फा बीटा गामा स्टैंडर्ड है, ठीक। और लास्ट जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो यहां से आती हुई यहां बेंड हो गई थी, यहां मिली थी, तो नॉर्मल के साथ इसने कितना एंगल बनाया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक। रे ऑप्टिक्स में सिर्फ रे डायग्राम ही बनाना इंपॉर्टेंट है, अगर रे डायग्राम बन गया तो एक्सप्रेशन बहुत आसान है। समझ आ गया कैसे बनेगा?
याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, तो फटाफट एक खाली पेज निकालो और खुद बना के देखो इसका क्या डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम तो प्रैक्टिस है सिर्फ। फोकस लेंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नहीं होता। लिया सबने, होगी प्रैक्टिस, ठीक है ना? देखो इसको करने का तरीका देखो। सबसे पहले आपकी असाइनमेंट में जो डायग्राम है सेम नेमिंग सेम है ना, एबीसी, ठीक है। देखो रे ऑफ लाइट यहां से यहां एंटर कर रही है, तो एक चीज तो क्लियर, रिफ्रैक्शन हो रही है, और अगर रिफ्रैक्शन हो रही है तो स्नेल्स लॉ लगेगा। तो लगाए म्यू वन इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन ऑफ आर, सही, क्लियर है सबको? एंगल क्योंकि छोटे होते हैं तो म्यू वन साइन आई कैन बी रिटन एज आई, म्यू टू इंटू साइन आर कैन बी रिटन एज आर। कर दिया यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, मैं इसमें आई और आर की वैल्यू निकालने वाला हूं। कैसे? देखो आई और आर की वैल्यू के लिए आपको एक काम करना है, मैंने बताया था दो ट्राइंगल देने हैं हमेशा, आई ए सी एंड ओ ए सी, ये तो याद ही कर लो, आई ए सी ओ ए सी। तो पहला ट्राइंगल आई ए सी, इसमें एक चीज बताओ मुझे, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, गामा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ व्हाट, आर प्लस बीटा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी ना, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो यहां से आर की वैल्यू आ गई गामा माइनस बीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अखिल समझ आ रहा है? नेक्स्ट है इन ट्राइंगल आई ए सी के बाद ओ ए सी, इन ट्राइंगल आई ए सी के बाद ओ ए सी, बोलो एक्सटीरियर एंगल कौन हुआ इसमें? आई हुआ, तो आई किसके इक्वल है? एल्फा प्लस गामा, तो आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस गामा, आर आ गया, आई आ गया। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट इसमें? तो देखो ये इन ट्राइंगल आई ए सी आर आ गया, इन ट्राइंगल ओ ए सी आई आ गया, स्नेल्स लॉ लगाया,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एंगल छोटे हैं, ये वैल्यू आ गई, ठीक, जो मैं निकाल चुका हूं। आई और आर की वैल्यू अभी निकाली मैंने ट्राइंगल से, पुट कर दो। आई और आर की वैल्यू जब पुट करोगे, ये मैंने आई की वैल्यू पुट कर दी, ये मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी। यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, मैंने जैसी ये वैल्यू पुट की, एंगल क्योंकि छोटे मैंने बताया, तो एंगल अगर छोटे हैं तो अल्फा कैन बी रिटन एज टेन अल्फा, एक ही बात है। ऐसी बीटा कैन बी रिटन एज टेन बीटा, एक ही बात है। तो अल्फा टेन अल्फा की वैल्यू अगर लिखनी हो तो बोलो टेन अल्फा क्या आएगा, ए एम अपॉन एम ओ, ठीक बोल रहा हूं यहां पर, ए एम डिवाइडेड बाई एम ओ, कोई डाउट इसमें? ऐसी अगर मैं बोलूं टेन बीटा निकालो तो टेन बीटा क्या होगा, ए एम डिवाइडेड बाई एम आई। अगर मैं बोलूं कि टेन ऑफ गामा निकालो तो ए एम डिवाइडेड बाई एम सी। सबको ये चीज क्लियर है, समझ आ रहा है यहां तक? तो अल्फा बीटा गामा टेन की फॉर्म में ले सकते हैं, तो मैंने ऐसे किया। ये देखो, अल्फा की जगह टेन अल्फा, गामा की जगह टेन गामा, गामा की जगह टेन गामा, बीटा की जगह टेन बीटा, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें, समझ आ रहा है? नेक्स्ट, ए एम ए एम ए एम और ए एम कैंसिल। और एक चीज और याद रखना इस पूरे टॉपिक में, एम इज वेरी मच क्लोजर टू पी, याद रखना ये पी, क्योंकि सारे डिस्टेंसेज रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कहां से मेजर किए जाते हैं, फ्रॉम पोल, परपेंडिकुलर एम से नहीं, पोल से। तो एम, और वैसे भी कर्वेचर बहुत ज्यादा नहीं होता, कर्वेचर बहुत छोटा होता है, कर्वेचर छोटे का मतलब बहुत ज्यादा कर्व नहीं है, हल्का सा कर्व्ड है, तो इसलिए एम और पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो मैं जो मेरा रिजल्ट आया हुआ था, ये रहा एमओ, एमओ की जगह पीओ, एमसी की जगह पीसी, एमसी की जगह पीसी, एंड लास्ट एमआई की जगह पीआई। तो ये लो, ये मेरे पास वैल्यू आ गई पी की फॉर्म में, ठीक है यहां तक? फाइनली म्यू वन को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू टू को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई, यहां तक क्लियर है? ठीक, कोई डाउट किसी को इसमें? अब लास्ट स्टेप सीख लो, इंपॉर्टेंट है। देखो कन्वेंशन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय यू, इमेज का डिस्टेंस बाय वी, और रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। अगर आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, और आप डिस्टेंस मान लो कहां से मेजर कर रहे हो, पोल से, तो पोल के राइट के डिस्टेंस सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव, और पोल से लेफ्ट के डिस्टेंस सारे के सारे नेगेटिव। मतलब अगर आप लाइट की, मेरे एरो की डायरेक्शन में जा रहे हो, लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो, सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, और अगर ऑपोजिट ले रहे हो तो सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव। सिमिलरली अगर मान लो लाइट ऐसे ना आती, लाइट ऐसे, रेज ऐसे मूव कर रही होती, तो ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव एंड ये सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, उल्टा हो जाता। याद क्लियर है कन्वेंशन? तो इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं पीओ की वैल्यू कितनी है, पीओ की, एक चीज तो क्लियर है, आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में क्यों? क्योंकि रेज राइट की तरफ जा रही है और मैं डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ मेजर कर रहा हूं, तो माइनस यू। अगर पूछूं पी आई क्या होगा, पी आई प्लस वी, और अगर पी सी पूछूं तो प्लस आर, पी सी भी राइट की तरफ है। क्लियर है यहां तक? ठीक, पुट कर दो, ये लो यहां पुट कर दो, ये मैंने पुट कर दिया माइनस यू वी एंड आर। यहां पर ऊपर एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो आपके पास ये मैंने पुट कर दिया, आर वाली टर्म्स आपने एक तरफ रख ली, आर को आपने कॉमन निकाल लिया, इस टर्म को पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, तो आपके पास आंसर आ गया। फॉर्मूला याद कर लो, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। मतलब आपने रिलेशन निकाल लिया यू का, वी का और आर का। याद क्लियर है? ठीक। तो अगर, और एक और चीज, क्योंकि आपकी इसमें जो रेज हैं वो एक्चुअल में मिल रही हैं, मतलब यहां से जो रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस को मीट कर रही हैं, इसलिए आपकी इमेज को क्या बोला गया, रियल इमेज। अगर ये ना मिलती तो इमेज वर्चुअल बनती, अभी बना के दिखाऊंगा वर्चुअल। बट यहां तक क्लियर है, समझ आ रहे हैं आप? कोई डाउट किसी को इसमें?
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसी का अब सेम केस है पर वर्चुअल का केस है, सेम केस है वर्चुअल का केस है कि अगर आपकी ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, प्रिंसिपल एक्सेस है, अगर सोचो आपका ऑब्जेक्ट काफी क्लोज पड़ा हुआ है रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, काफी पास है, अगर एक इमेज बनानी हो तो एक रे सीधा, एक रे किसी एंगल पर, यहां पर जैसी यहां पर गई, नॉर्मल इसका कहां से पास करेगा, सेंटर से, फाइनली यहां से गई, रिफ्रैक्शन हुआ, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, इसने नॉर्मल की तरफ बेंड तो किया, मेकिंग एन एंगल ऑफ आर, पर इतनी ज्यादा बेंडिंग नहीं हो पाई कि ये रे फाइनली इसको मीट कर पाए और ये रे आगे 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 चलती गई। जब मैंने इसको पीछे की तरफ मिलाया तो यहां पर इसकी क्या बनी, इमेज। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को काफी पास रख दोगे तो वर्चुअल बन जाएगी, अगर आप दूर रखोगे तो रियल बन सकती है, डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्शन कितनी ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा हो गई तो रियल बन जाएगी, अगर नहीं हुई फिर वो मीट नहीं कर पाएगी प्रिंसिपल एक्सेस को और वर्चुअल इमेज बनेगी। यहां तक क्लियर है? तो इसमें ये आई, ये सी और ये ओ, और एज यूजुअल वो तो करना ही करना है, ये पी है और ये ए ऑफ एम है, ए एम है। इमेज ऑब्जेक्ट का एंगल हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, सेंटर का एंगल गामा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो फिर कॉपी लो और खुद बनाओ, रफ कॉपी खुद बना के देखो। चेंज नहीं होगा, रिफ्रैक्शन है यहां से यहां, तो साथ साथ बोलो स्नेल्स लॉ, म्यू वन इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन ऑफ आर, एंगल स्मॉल है तो म्यू वन इंटू आई इज म्यू टू इंटू आर, हर कोई लिख लेगा। ट्राइंगल स्टैंडर्ड है, इन ट्राइंगल आई ए सी, आई ए सी इन ट्राइंगल आई ए सी, एक्सटीरियर एंगल कौन है, आर, तो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, एंड इन ट्राइंगल ओ ए सी इसमें एक्सटीरियर कौन है, आई, तो आई इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, अल्फा प्लस गामा, आई आर पुट कर दें, तो जब मैं आई और आर को पुट करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, आई और आर पुट कर दिया। ठीक, अगेन सेम स्टेप है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज अगर पूछी जाए तो टैन अल्फा इज ए एम बाई एम ओ, टैन गामा इज ए एम बाई एम सी, टैन बीटा इज ए एम बाई एम आई,
कर दिया पुट, ये लो ए एम ए एम ए एम ए एम हो गया कैंसल, एम की जगह पी, एम की जगह पी, एम की जगह पी, एम की जगह पी, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया पी 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 पुट करके, पीसी वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, बाकी टर्म्स एक तरफ कर ली, यहां तक क्लियर है, रीअरेंज कर लिया। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है साइन कन्वेंशन, इसके अंदर जब आप पीसी, क्योंकि रे ऑफ लाइट यहां से यहां जा रही है, पीसी की जगह प्लस आर, पीओ की जगह माइनस यू, पी आई का मतलब माइनस वी, ठीक है यहां तक पुट कर दो, एज इट इज पुट कर दो, जब आप पुट करोगे आंसर एग्जैक्टली वही आएगा जो उससे पहले आया था, तो यानी कि, और हाँ इसमें वर्चुअल का केस इसलिए है क्योंकि आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस को मीट नहीं करती, कोई डाउट है इसमें, तो चाहे रियल का केस हो चाहे वर्चुअल का केस हो, बस अगर रेयर टू डेंसर का केस है तो फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है यहां तक। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर आपने ऑप्टिक्स 10 तक भी किया हो थोड़ा बहुत तो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट थी, इसमें भी सेम है। आप न्यूमेरिकल को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि ये रियल का केस है या फिर ये वर्चुअल का केस है, आप जिसमें यू नेगेटिव और वी पॉजिटिव रियल, यू नेगेटिव इस तरफ वी पॉजिटिव का मतलब उल्टी तरफ भी, और जिसमें यू भी नेगेटिव वी भी नेगेटिव इसका मतलब वर्चुअल का केस है, समझ आ रहा है यहां तक। तो इस तरीके से आपको ये केस माइंड में रखना है, दिमाग में रखना है, तो दो है पांच है और पांच लेंस के हैं, तो कम से कम 10 केस आपको अच्छे से याद होने चाहिए और हाँ 5 रिफ्लेक्शन के भी हैं, ठीक। बट इन दी एंड बहुत छोटा रिजल्ट बन जाता है, अगर आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करोगे तो अपने आप को समझ आ जाएगा कि साइन कन्वेंशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें, ठीक। तो फिर हो जाए एक एक टेस्ट थोड़ा सा, चाहे तो नहीं पूछ सकते, आपको टेस्ट ही पूछ सकते हैं अभी तो।